आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो डीयू एलएलबी के सीट एलोकेशन और फर्स्ट कट ऑफ का आप इंतजार कर रहे हो, किस दिन आएगा ये कट ऑफ, ये सारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें, सारा कुछ हम ऑफिशियल आपसे शेयर करते हैं। कम जाएगा कट ऑफ डीयू का, क्यों कम जाएगा और उससे रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है कि जो जो कि डीयू एलएलबी का ही न्यूज है, जो कि आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वो सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, आखिरी तक बने रहिएगा। अभी कितना कट ऑफ जारी हुआ है इसकी वीडियो मैंने कल बनाई हुई है, आपको आई बटन पे क्लिक करके देख लेना चाहिए। और डीयू का मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया है, इसका कट ऑफ बहुत वेरिएशन रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? सो आपको बी रेडी फॉर दैट कट ऑफ वेरिएशन। सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एलएलबी बहुत ही एक प्रीमियम टाइप कोर्स है, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। ये नंबर आप जरूर देखना, डी यू एल एल बी फर्स्ट राउंड सीट अलॉट कितने नंबर, वेन एंड हाउ, ये मैंने पोस्ट कर दिया है। हमारा एक अपना अलग डेडिकेटेड चैनल है, उसका नाम है CUET PG पॉइंट, जो कि डेडिकेटेड पीजी वाले बच्चों के लिए है। मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि उस पे पीजी रिलेटेड सारे अपडेट्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? लॉ एंट्रेंस एग्जाम अगर आप 2025 में तैयारी कर रहे हो, अलाहाबाद, लखनऊ, पटना यूनिवर्सिटी के साथ भी सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारे इस चैनल पे, हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे अवेलेबल है, जिसमें लाइव लेक्चर, ईबुक, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग्स, प्रैक्टिस सेट, मेंटरशिप, वन टू वन, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। सो मेक श्योर कि आप 2025 के लिए पहले से तैयार रहो, क्योंकि जो बच्चे पहले से तैयार थे उनके अच्छे रैंक्स आए हैं और उनके अच्छे रैंक के साथ एडमिशन पक्की हो रही है। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट यूट्यूब पे भी सेंड किया है, CUET CUQP 11, यानी जो लॉ का पेपर है उसका। सो आपको बी रेडी फॉर दैट, आपको फर्स्ट कट ऑफ, डेट शीट, ये सब हमने बताया। आते हैं उस न्यूज की तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको समझना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर किया था, आपको ये देखना चाहिए। ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, वहां मतलब स्टाफ रूम में और जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसमें एसी लगे हुए हैं, लेकिन क्लासरूम में नहीं लगा हुआ है। ड्यू टू दिस हीट वेव का टाइम चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। सो तीन लोगों ने मिलकर के ये पिटीशन दायर किया था, वाईफाई, वाटर फैसिलिटी और एयर कंडीशनर, ये सारे फैसिलिटी को लेकर के। क्लियर है ये चीज? सो आप एक देखोगे बहुत बड़ा गैप है, अगर हम बात करें डीयू और बीएचयू में। बीएचयू का एक बहुत शानदार कैंपस है, उस चारों तरफ से पेड़ से घिरा हुआ कैंपस है, तो आपको गर्मी खैर उतनी तो नहीं मिलने वाली है बीएचयू में। बीएचयू का कटअप भी आपने देखा होगा काफी हाई गया है, क्योंकि सीटें कम है, 300 सीट है, जिसमें 45 सीट जो है वो पेड सीट के लिए अलॉटेड है। तो प्यारे बच्चों, पेड सीट वाला सीट जो है वो तो आएगा, स्पॉट राउंड भी आखिरी राउंड तक आएगा और भी कटअप आएंगे। आपको ये ध्यान देना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कटअप कब और किस दिन आ रहा है वो हम आपको अभी बताएंगे। तो ये समझ लो कि डीयू में राइट्स को लेकर के किसी भी तरीके का, क्योंकि हीट वेव है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कितना ज्यादा अवेयर है इस चीज को लेकर के आप यहाँ देख सकते हो। बात समझ में आ गया? इट इज इंपरेटिव दैट अ मीटिंग बी कन्वीन बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये बात को लेकर के, पानी, गर्मी, हीट वेव से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है उनको हीट वेव से लड़ने के लिए। इवन की जो वाटर बॉटल है वो भी कैंपस में नहीं मिलता है, मतलब वाटर बॉटल समझ रहे हो ना, पीने का पानी तो बाहर से परचेज करना पड़ता है, और दिल्ली में वैसे भी रहना बहुत महंगा है। मैं DULLB मैंने क्रैक किया था, आपको मालूम है मेरे बारे में सब कुछ। तो ये चीज है जो कि आपको संभल के बीएचयू की तरफ थोड़ा रखता है बच्चों का मूड कि चलो यहाँ सारी फैसिलिटीज तो है, यहाँ ये दिन तो नहीं देखने पड़ेंगे। सो आओ अब देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों का क्या अपडेट है। देखो पीजी वाले वेबसाइट पे हम लोग, और आपको एक चीज और बता दें, सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है, ये वाली नोटिस है, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे जब तो इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ऑफिशियल नोटिस है, इसको बहुत बारीकी से आपको देखना है, आपको मैं दिखाता हूं। इसमें लिखा है, इन कंटिन्यूएशन टू द पब्लिक नोटिस, 6 जून को पहले एक्सटेंड किया गया था, उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन विंडो का जो एक्सटेंशन डेट है वो 12 जून तक किया गया है। आखिरी में आप देख सकते हो हमने ग्रीन से एडिट कर दिया गया है। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां आपको कैंडिडेट को क्या क्या एडिट नहीं कर सकते थे, तो पासिंग स्टेटस मार्क्स, ये सब, मतलब हु कुड नॉट एडिट सर्टेन फील्ड्स लाइक क्लास 2 पासिंग स्टेटस एंड मार्क्स, क्योंकि क्लास 12 तो वो पास हो चुके थे, 12 2 नहीं, सॉरी फॉर दैट। सो आपको 12 जून तक ये टाइम दिया, और आज कितना तारीख है, आज 12 जून के, मतलब 2 दिन निकल गए हैं, दूसरा दिन है आज, 12 जून के बाद एक दिन पूरा निकल गया और आज एक दिन और है, तो भैया आएगा कब? अब देखो
DU LLB या DU का BHU का अलग अलग टाइम शेड्यूल फॉलो होता है। BHU का आपको मालूम है उसका टाइम शेड्यूल अलग है, दोनों का इंपॉर्टेंस भी अलग है। क्योंकि यहाँ सीट ज्यादा है तो इसके लंबे काउंसलिंग के डेट्स चलते हैं, और स्लॉट यानी जो सीट एलोकेशन डे वाइज होगा वो भी आपके लंबे लंबे होने वाले हैं। मतलब मान लो पहले दिन बोलेंगे तो 200 से 300 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, इस तरीके से कर करके 400-500 भी बुला सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तो वो फिर करवाएंगे कहाँ। तीन ही कॉलेज है DU का, LC LC1 एंड LC2, CLC LC1 एंड LC2। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है बच्चों को, समझ में आ रहा है? तो उनके जो सीट एलोकेशन है, करेक्शन के बाद सारे फॉर्म्स को एनालाइज किया जाएगा, 1 वीक का टाइम लग सकता है। अब वो दिन कौन सा है जिस दिन जारी हो सकता है, तो आप मंडे को मान के चलो कि आपका इनिशिएशन हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो सकता है। किस दिन को? मंडे को। मंडे को कौन सी तारीख है? आप समझ ही रहे हो कौन सी तारीख है, 17। हालांकि 17 को फिर छुट्टी है, तो फिर 18 और 18 के बाद वाले दिन में ये पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? तो 18 और 18 के अगले दिन में ये सारा कुछ पॉसिबल हो जाएगा। सो आपको ये चीज समझना चाहिए कि किस दिन आएगा, क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि क्या कट ऑफ BHU से कम जाएगा, क्यों जाएगा, नहीं जाएगा, इसको समझो। मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया है DU LLB का तीनों कॉलेज का कट ऑफ, वो वीडियो जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोनों चैनल पे मिल जाएगा, हमारे PG पे, CUET पॉइंट दोनों पे। आपको एक चीज का खासम खास ध्यान रखना है कि आपके कट ऑफ ना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। जहां सीट ज्यादा है वहां ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम होने के संभावना रहते हैं। इस बार का एग्जाम 3 महीने पहले हुआ है, तो जो बच्चे बहुत ज्यादा तैयार थे उनको लगा कि भैया हमारी तैयारी अच्छी है, उनके तो एग्जाम अच्छे गए हैं। खास करके जो SSC वाले बच्चे हैं, जो SSC की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ। लेकिन वैसे बच्चे जो SSC की तैयारी नहीं करते हैं, जिनको मतलब एक फुल फ्लेज शुरू से पढ़ना पड़ा, उन्हीं लोग वही बच्चे को दिक्कत हुई है, उनके कम रैंक आए हैं और एग्जाम भी पहले आए, तो उनका एग्जाम बहुत अफेक्टेड हुआ है। ये सारे फैक्टर्स को मैंने अगर एक जगह बैठाया तो आपको बताया है कि कट ऑफ इस बार बहुत फ्लक्चुएट होगा। इवन कि 50% जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जो 150 वाले बच्चे भी हैं वो भी लास्ट लास्ट राउंड तक एडमिशन लेंगे। दूसरे चैनल की तरह नहीं हवा बना रहे कि 180 आएगा, 180 से नीचे जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा भाई, कोई लॉजिक होना चाहिए। पिछले साल के कट ऑफ देख लो, मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है, उसमें जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सही कह रहा है। पिछले साल भी ज्यादा से ज्यादा जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 60% फुल मार्क्स का 60 से 65% वाले का कंफर्म हुआ है। उनके एग्जाम जुलाई में हुए थे, आपके एग्जाम मार्च में हुए, कितना डिफरेंस है, 3 से 4 महीने का। फिर क्या करोगे आप, चिल्लाते रहोगे कि जाएगा कट ऑफ, जाएगा कट ऑफ? नहीं, कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली कम जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या BHU से कम जाएगा, तो डेफिनेटली BHU से भी कम जाएगा, क्योंकि देखो BHU में लिमिटेड सीट्स हैं। हाँ, DU में एक ल्यूक्रेटिव, मतलब एक, वो समझ लो कि एक जगह है जहाँ पे बहुत एक होता है ना अट्रैक्टिव एक्सपोजर जाता है, हाई कोर्ट भी है, लोअर कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सभी तरह के कोर्ट्स वहाँ अवेलेबल है। सो आपको एक बहुत, मतलब आप अभी देख लोगे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी वहीं से पढ़ाई की है, तो आप समझ लो कि कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वहां पे। अभी करंट चीफ जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, उनका बैकग्राउंड चाहिए, अगर लॉ के स्टूडेंट है आप तो आपको ये सब पता होना चाहिए था, ठीक है? तो आपको संभल संभल के सारे पॉइंट्स पे ध्यान देते हुए ये समझना चाहिए कि आपके कट ऑफ मार्क्स कम जाएंगे। अब ये कोई नहीं कह सकता कि कितना कम जाएगा, लेकिन हाँ उससे कम जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, एग्जाम का सिलेबस दोनों का सेम है और यहाँ सीट ज्यादा है, एक ही टाइम में एग्जाम हुआ था, एक ही दिन में एग्जाम हुआ था, तो इन सब को अगर कैलकुलेट आप करोगे तो आपको 2 और 2 22 कर सकते हो। बात समझ में आ गया, कोई भी मुश्किल नहीं है। बाकी जो 2025 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, टाइम से लग जाओ, हमारे कोर्सेज में ऑफर चल रहा है, आप जरूर ज्वाइन करो ऑफर। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।